नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Google Pixel 6 Pro 5G versus Xiaomi Mi 11T Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में 6.45 इंच जबकि 11T Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में 2.98 इंच जबकि 11T Pro 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Pixel 6 Pro 5G में 210 ग्राम जबकि 11T Pro 5G में 204 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में जबकि 11T Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Pixel 6 Pro 5G में 19:5:9 जबकि 11T Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि 11T Pro 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Pixel 6 Pro 5G में 1440x3120 और 11T Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Pixel 6 Pro 5G में 88.5% जबकि 11T Pro 5G में 85.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Pixel 6 Pro 5G में 513 पिक्सल प्रति इंच जबकि 11T Pro 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Pixel 6 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 11T Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में Mali-G78MP20 जबकि 11T Pro 5G में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में Google Tensor और 11T Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो Pixel 6 Pro 5G में 12GB की RAM मिलती है जबकि 11T Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Pixel 6 Pro 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 11T Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में Android V12 जबकि 11T Pro 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Pixel 6 Pro 5G में 5300mAh जबकि 11T Pro 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो पिक्सल 6 प्रो 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 99,860 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 11T Pro 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 41,989 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 43,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Google Pixel 6 Pro 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Mi 11T Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Pixel 6 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में 11T Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 11T Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Z Fold 2 है, दूसरा Samsung Galaxy Note 20 है, तीसरा Samsung Galaxy S21 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।